केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने महिला आरक्षण बिल को महिलाओं के हक में बड़ा कदम बताया। ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण और मोदी सरकार में कम ओबीसी अधिकारियों को लेकर कांग्रेस के सवाल पर दर्शना ने पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से ही आते हैं। सुनिए। देश में महिलाओं को एक तिहाई सीटों पर आरक्षण देने वाला मोदी सरकार का बेहद महत्वाकांक्षी महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है और आज राज्यसभा से भी पास कर दिया जाएगा। इस बारे में खास तौर पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिवली केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश जी हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा से इतनी आसानी से पास हुआ, जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है मैम, उससे खुश हैं आप लोग? जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसको लेकर, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले सभी महिलाओं के मन की बात सुन ली। आज जो मन के अंदर था, जो एक विश थी, जो सबका साथ सबका विकास और सबका संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहे, आज हमें वो सब दिखाई देता है। जब प्रधानमंत्री जी की सोच है, मैं तो उनके हाथ उनके होम स्टेट से आई हूँ, तो उनका काम करने का तरीका मुझे पता है। पता है मतलब कि वो बहुत मेहनत से बारीकी से सब चीज़ों को देखकर जब उसकी सिद्धि के तक पहुँचते हैं तो सभी बारीकियों को देखकर जिस तरह से क्या क्या हर्डल हुए थे, किस तरह से कौन सी पार्टी ने क्या मुद्दे उठाए थे, क्या किसका स्टैंड रहा होगा। सरकार में भी वही सिस्टम है कि सबके साथ में बातें करते करते स्टेक होल्डर से उसका व्यू जानने के बाद में वो करते हैं। वो जबकि कोई योजना भी बनाते थे ना, तो ऐसा करते थे कि वो अच्छी लगी कि नहीं, उसका फीडबैक क्या है, तो उसका परिणाम क्या रहेगा, क्या क्या बातें आ सकती है, वो सब सोचकर ये पूरी तैयारी के साथ हुआ नहीं। अचानक से बिल आ गया ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन 2009 से बाद में जो 2014 के बाद उनको जो ये तैयारी करनी थी, शौचालय बनाने के साथ साथ में उनको जो आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, जो योजना था बैंक से लिंक करना, आत्मनिर्भर बनाना, घर देना, उनको शिक्षा देनी, उसको तालीम देना, सभी योजनाओं को जोड़ जोड़ कर महिला के पूरे तबके को तैयार करके आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा, आपने अभी जो जिक्र किया ना कि भाई कौन क्या पोजिशन लेता है, इसको फैक्टर इन प्रधानमंत्री पहले से कर लेते हैं। मैम आप देख रहे होंगे एक पॉलिटिकल रिएक्शन में आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई ये प्योरली राजनीतिक पर्पस से लाया गया है क्योंकि इसको आप लागू अभी नहीं कर रहे हैं, पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, क्यों नहीं अभी से इंप्लीमेंट कर दे। जब भी कोई बात आती है तो उनको राजनीति शुरू करनी है, जब G20 हुआ, जब GST आया, जब ये 377 किया, तब भी यही बोल रहे थे 2014 के बाद में, 2019 के चुनाव में भी यही बातें कर रहे थे, 19 के बाद में अब 24 आने वाला है तब भी ये बात करे नहीं। लेकिन ना तो कभी प्रधानमंत्री जी रुके हैं, ना तो रुकने वाले हैं, और जो उनकी गति है और तेज करनी है, जिस तरह से उन्होंने सोचा है पूरी दुनिया देख रही है, जो इनका इम्प्लीमेंटेशन, उनकी सोच, उनका जो पूरी टीम को साथ लेकर चल के पूरी दुनिया के सामने एक विजन रखना, जो वन फैमिली वन फ्यूचर, वो एक साथ में हमें आगे बढ़ना है, वो जो उनका उनका भाव है वो आज दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि मैम जब तक ये कानून लागू नहीं होता तब तक कम से कम इस बिग स्टेप के बाद क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम अब से 33% सीटें देना शुरू ही कर दें? वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। उनको तो ये सोचना होगा कि हमारे घर की औरतों के नहीं, जो बोला है उसको करना पड़ेगा। मुलायम जी ने जो बोला था, लालू जी ने बोलता, सिर्फ मेरी बेटी नहीं, जो समाज के लिए बोल रहे हैं उसकी बेटी भी आनी चाहिए। आपको लगता है अब ये प्रेशर बनेगा? तो वो प्रेशर बनेगा ना, क्योंकि उनके तो घर से सब लोग हैं। मैं वैसे आई विल एडमिट दैट आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं और बड़ी इंस्पायरिंग है, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा भी लगा क्योंकि आपने अपनी कहानी भी बताई कि कैसे संघर्ष किया। सबसे अच्छी बात इस कदम के बाद ये रहेगी कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे इस बात का प्रेशर होगा कि ठीक है लागू भले बाद में होना है, लेकिन उसके पहले आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देना शुरू करें। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़।